हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल RDR पर। मैं हूं आपका रेल दोस्त रोहित। मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज की रेल अपडेट और रेल खबर। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। रेल न्यूज़, रेल अपडेट और रेल नॉलेज की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल रेल दोस्त रोहित को सब्सक्राइब करें। साथ में अपडेट जल्दी पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर सेट करें। पहली अपडेट की बात करें तो आती है UTS ऐप को लेकर। रेलवे ने UTS ऐप पर अनरिजर्व टिकटों की बुकिंग को शुरू कर दिया है। आप भी UTS ऐप की मदद से बुकिंग कर सकते हैं, ताकि जो बुकिंग के लिए टाइम की बचत हो सकेगी और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सकेगा। अगली अपडेट दो स्पेशल ट्रेनों को लेकर है, जिन्हें कोहरे के कारण रद्द कर दिया गया था, मगर अब इन दोनों ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू होने जा रहा है। पहली ट्रेन 15909 15910 डिब्रूगढ़ लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन और दूसरी ट्रेन है 19611 19614 अमृतसर अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन। अगली अपडेट की बात करें तो आती है उत्तरी जोन के धूरी जाकल हिसार सेक्शन को लेकर। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी ने इस सेक्शन की मैक्सिमम स्पीड 100 KMPH से 110 KMPH कर दी गई है। अब इस सेक्शन पर ज़्यादा स्पीड के साथ टाइम की बचत भी हो सकेगी। अगली अपडेट आ रही है बरेली भुज अल्लाह हजरत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। जैसा कि आपको पता कि इस ट्रेन को फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के रूप में चला रखा है और ज़्यादा किराया वसूला जा रहा था, मगर अब यह ट्रेन 1 मार्च से नॉर्मल किराए के साथ चलेगी और अगले आदेश तक इसकी वैधता को बढ़ा दिया गया है और इस ट्रेन के पुराने 6-7 स्टॉपेजों को फिर से रिस्टोर कर दिया गया है, जिसे लॉकडाउन के बाद बंद कर दिया गया था। अगली अपडेट आ रही है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से। इस जोन के 3 सेक्शन का इंस्पेक्शन किया जा रहा है, जिसमें पहला सेक्शन है नागपुर डिवीज़न के राजनंदगांव से डोंगरगढ़ तक के ब्रॉडगेज इलेक्ट्रीफाइड थर्ड लाइन का, और दूसरा सेक्शन है चिराई डोंगरी मंडला फोर्ट के इलेक्ट्रिफिकेशन का, और तीसरा सेक्शन नैनपुर से भूमा तक के गेज कन्वर्जन का। इन तीनों सेक्शन का CRS 28 फरवरी से 2 मार्च तक किया जाएगा। तो बस दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में अच्छी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।